हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी क्लास एट की वर्कशीट नंबर एक करने वाले हैं। आपकी असेसमेंट वर्कशीट है बच्चों ये, ठीक है। आपकी ये पहली आई है इंग्लिश सब्जेक्ट की, बाकी और भी कंप्लीट कर दी गई हैं, हमारे चैनल पे अपलोड ही हैं। तो ये आपकी इंग्लिश की असेसमेंट फर्स्ट है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे जिससे आप लोग हैंड टू हैंड कर सकें। देखिए, अगर आप करोगे इसे अच्छी तरह पढ़ के समझ के तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप खुद एक बार ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद ही आप लोग इसमें से देख के करना, ठीक है स्टूडेंट। क्लास एट्थ के स्टूडेंट की इंग्लिश असेसमेंट वर्कशीट नंबर एक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें शुरू में यही बताया गया है जनरल इंस्ट्रक्शन में कि आपको ये एक असेसमेंट वर्कशीट है। किसके बेस पे है? आपकी जो इससे पहले हफ्ते की जितने भी वर्कशीट आई है इंग्लिश की, उनके बेसिस पे दी गई है। 10 नंबर की है और आपको पेन और पेंसिल से इस पे सर्कल या टिक करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया फर्स्ट, रमेश इज़ इंटेलिजेंट। अब देखो, हमने जो पढ़े थे, आपको पता होगा हमने क्या पढ़े थे, आर्टिकल्स पढ़े थे, जिसमें हमने देखा था वोवल्स, ठीक है, वोवल्स के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, इंटेलिजेंट मतलब आई, तो हम एन का प्रयोग कब करते थे, जब हमारा क्या आता था, आई का साउंड आता था। तो इसमें देखिए, मतलब वोवल्स का साउंड इसमें आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं लिख देता हूँ, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसमें आई का साउंड आ रहा है बच्चों, इंटेलिजेंट, तो आपका एन आ जाएगा, ये टिक है आपका फर्स्ट का, ठीक है। मैं इसे सर्कल कर देता हूँ। अब देखिए, ये हो गया। सेकंड पे आते हैं, आई वॉन्ट टू आस्क क्वेश्चन, क्यों का साउंड हो रहा है, तो ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसमें आपका ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए, थर्ड में दिया जा रहा है, देयर इज हग स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एट द स्क्वायर, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टैचू हैं वहाँ पे, तो आपका यहाँ पे हग एच यू, मतलब आपका क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो आपका ए सही हो जाएगा इसका, ठीक है। थर्ड भी हो गया हमारा। अब चलते हैं फोर्थ पे, वेयर इज स्टैचू ऑफ यूनाइटी सिचुएटेड, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है यूनाइटी का स्टैचू, ठीक है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप बताएंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर आपका है फोर, ठीक है, फोर में आपसे पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे, देखो हमेशा जब फेमस चीज़ बताई जाती है तो उसके आगे हमेशा दा लगाते हैं, आप लोगों ने, मैंने आपको पढ़ाया भी था पहले वर्कशीट्स में, ठीक है। तो आपका दा आ जाएगा इसमें सी, ठीक है। फाइव पे आते हैं, वन कैन नॉट कंपेयर, ठीक है, अ ऑरेंज विद एन बनाना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, तो आपका पहले आ जाएगा इसमें एन, ठीक है, इसमें आपका बनाना आ जाएगा, तो पहले क्या आएगा आपका एन और इसमें अब बनाना, तो आपका कौन सा सही हुआ, ये बी सही हुआ, ठीक है। अब देखिए, सिक्स कहा जा रहा है कि ही इज द, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है ही इज द मैन ऑफ आवर सिटी, तो देखिए मैन कहा जा रहा है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, रिच, रिचर और नॉन ऑफ दिस, क्योंकि देखो ही इज द मैन ऑफ द सिटी, सिटी की बात चलिए, तो आपका सबसे ज़्यादा मतलब ये आ जाएगा रिचेस्ट, ठीक है। अगर दो में से पूछते तो आपका रिचर आ जाता, अगर सिर्फ एक की बात चलती तो रिच आ जाता, ठीक है। इसमें पूरी सिटी में कहा जा रहा है, तो आपका ये रिचेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, सेवन पे चलते हैं, सिक्स हमारा हो गया, सेवन में आपका पूछा जा रहा है, सुशील इज टू ईयर्स, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है सुशील जो है दो साल क्या है, क्या होगा, दो साल ओल्ड तो आएगा नहीं, दो साल ओल्डर बोलते हैं हम लोग, ओल्डेस्ट तब आता है जब सबसे ज़्यादा बोला जाता, ठीक है, तो आपका इसमें ओल्डर आ जाएगा बी, ठीक है। अब आ जाते हैं एट पे, एट में आपके जो है नेम द, ठीक है, स्टेट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है लार्जेस्ट, क्यों, क्योंकि इंडिया के अंदर पूछा जा रहा है स्टेट का नंबर नाम, ठीक है। अब देखो, इट वॉज अ, ठीक है, इट वॉज अ, वाज आ गया, तो वाज सिंपल, ठीक है, इट वाज अ सिंपल कोरोना वैक्सीन, ये एक बहुत सिंपल कोरोना वैक्सीन थी, ठीक है। अब देखिए, देयर इज नो एनिमल, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या आएगा, मैनी, मैनी फेथफुल देन द डॉग, नहीं, क्योंकि मैनी तब आता है जब बहुत सारे की बात चलती, ठीक है। मोस्ट भी नहीं आ सकता क्योंकि एक से कंपेयर हो रहा है, तो मोर आ जाएगा, ठीक है, जब दो के बीच में कंपेयर आता है तो मोर आ जाता है, मैं लिख भी देता हूँ मोर, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपल
मैंने टिक भी लगा दिया, बाकी आप लोग ऐसे करके अपने टीचर से करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 10 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों, होपफुली आपको समझ में आया होगा। आपकी सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर कराई जाती है, हमारे चैनल पर गेम भी चल रहा है, आप लोग अदर वर्कशीट में भी जाके देख सकते हैं, बच्चों को प्राइज़ भी मिलते हैं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप लोग को लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। वहाँ पर बच्चे आंसर भी देते हैं, वहाँ पर बच्चों के नाम भी अनाउंस होते हैं, ठीक है। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।